नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आज जीवन उत्साह न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हैं बड़सर में, जहां पर पुलिस स्टेशन बड़सर के अंतर्गत में ये जो रोड जहां पर हम खड़े हैं ये बाबा बालकनाथ की तरफ जाता है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये एक बार दिखाएंगे, ये बोर्ड देखेंगे, बाबा बालकनाथ शातलाई यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में पंजाब से, दिल्ली से जो यात्री हैं वो बाबा बालकनाथ की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर लोग नियमों पे बहुत सारी लापरवाही भी करते हैं, नियमों को सही ढंग से नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। और इन्हीं घटनाओं के चलते जो हमीरपुर पुलिस में जो जागरूकता फैलाने का एक जो कारण है वो बनता है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर बड़सर पुलिस हमेशा तैनात रहती है। ये नाका आप देखेंगे, इस नाके पे बड़सर पुलिस हमेशा तैनात रहती है। और जो भी लोग यहाँ से आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि अभी पुलवामा अटैक को लेकर भी एक सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, और उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आते हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट्स उनके चेकिंग किए जाते हैं और अगर उनमें कोई गलती पाई जाती है तो उनका चालान भी किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे नाके के ऊपर ये पुलिस हमेशा तैनात रहती है और हमेशा जो है वो ये प्रयास करती है कि कोई भी व्यक्ति, गलत या संदिग्ध व्यक्ति जो है वो इसके आगे प्रवेश ना करे। ये हमेशा मैं आपकी बात कराना चाहूँगा, यहाँ पर जो ASI हैं जो यहाँ चालान कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने अभी रोका हुआ है। मैं जानना चाहूँगा आप लोग कहाँ से आए हैं, अभी आप बताइए आप कहाँ से आए हैं। आप लोग पंजाब से? पंजाब से। तो आप लोग कोई हेलमेट वगैरह नहीं लगाते हैं? सर नहीं बनता है, करना बनता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग आते हैं वो हेलमेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि सुरक्षा को लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और इसी वजह से पुलिस को उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ती है। हमारे बीच में यहाँ पर ऐसे ही चमनलाल जी खड़े हैं। सर मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर आप जो ये चालान करते हैं क्या कारण है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये करते हैं? इनकी सेफ्टी के लिए इनके पास ना तो हेलमेट होता है जी, ना इनके डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं। उनके डॉक्यूमेंट चेक करके हेलमेट का जिनका इनका चालान किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये अक्सर देखा गया है कि दोनों साइड से पास लेते हैं तो उनकी दुर्घटना होती है हर साल, काफ़ी तकलीफें हो जाती है। तो उनको समझाया जाता है कि आप वो अपनी साइड से पास लें, आराम से चलें और हुलड़बाजी ना करें। अच्छा, इसमें सर क्या आपके पास कुछ संदिग्ध लोग भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि आप नाका लगाते हैं, आप बाबा बालकनाथ के मेले भी चल रहे हैं जी जी। और वैसे भी ये नाका लगातार यहाँ लगा रहता है, सुरक्षा को लेकर आप बहुत ध्यान भी रखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो कभी कोई संदिग्ध लोगों को भी आप यहाँ पकड़ ध्यान में रखते हैं कुछ ऐसा? हाँ, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है किसी गाड़ी की, किसी लोग कोई किसी पर्सन की, तो हम उसकी चेकिंग करते हैं। कई दफ़ा इसमें हम पकड़े भी गए हैं वो लोग, तो इसका काफ़ी फ़ायदा रहता है इस नाके का। तो ये जो आप देख करते हैं चालान वगैरह या नाका लगाते हैं, ये कंटिन्यूसली रहेगा या ये अभी एक आध दिन के लिए कुछ प्लान किया आपने? नहीं, अलग अलग जगह पे रहता है ये, कभी ऊपर गलू में रहता है, बरौली में रहता है और यहाँ पे, तो यहाँ तो अक्सर लगा रहता है, टाइमिंग अलग अलग होती है इसके। तो ये रहे मिस्टर चमन लाल जी, ASI बड़सर हैं और ये लगातार बहुत मुस्तैदी से यहाँ पर लोगों को चेक करते रहते हैं और लगातार बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से ना निकल पाए, जिसकी वजह से जो सुरक्षा कारण है, जो पुलिस की जिम्मेवारी है, वह भी पूरी हो सके और इसके साथ साथ में यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो भी सुरक्षित रह सकें। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज़ से। थैंक यू वेरी मच।